हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टेक्निकल शो में। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 5 प्रो के बारे में, क्योंकि इसमें नया अपडेट आया हुआ था जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है 10.0.3.0 का अपडेट, क्योंकि इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या नई न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अपडेट नहीं मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए बताते हैं कि क्या नई न्यूज निकल के आ रही है Redmi Note 5 Pro के लिए, जिसमें नया अपडेट आया हुआ था जो था 10.0.3.0, तो उसे जो है सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसके कारण इसे सस्पेंड किया गया है। और काफ़ी लोगों को यह प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको OTA के थ्रू अपडेट नहीं मिला था, लेकिन आप इसे मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। अगर आप OTA के लिए ही वेट करना चाहते हैं तो OTA के लिए वेट कर सकते हैं। तो इसमें जो बग्स होंगे उनको फिक्स करके फिर से इसे रोल आउट किया जाएगा। तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मैनुअल की, तो वहाँ से आप उसे मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अभी तक ये न्यूज़ निकल के नहीं आ रहे कि कब आपको यह नया अपडेट मिलेगा OTA के थ्रू, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है कि कब यह न्यूज़ निकल के आएगी कि OTA के थ्रू अपडेट आपको मिलेगा। सो अभी तो यही न्यूज़ थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।